हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास टेंथ की साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 10 विज्ञान विषय के ऊपर। सो आई होप कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए, अपनी पोजीशन सभी ले चुके होंगे और रेडी होंगे चीजें जो यहाँ से बताई जाती हैं उनको नोट डाउन करने के लिए, और साथ ही साथ उनको घर से रिवाइज करके भी जरूर लाइए। डियर स्टूडेंट्स, जो बातें यहाँ पे आपको बताई जा रही हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। जिन टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है वो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं एक छोटे से रिसर्च के साथ। हमने रिसेंटली पढ़ा है तो जो धोने का सोडा होता है, धोने का सोडा ये क्या है, एक रसायन है जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है काफी, है ना। इसका आप मुझे केमिकल फॉर्मूला बताएं, इसका रासायनिक सूत्र बताएं। तो इसका रासायनिक सूत्र होगा Na2CO3.10H2O, यानी किसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। समझ में आया, इसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसके अलावा काफी सारे सॉल्ट्स ऐसे हैं जिसमें कि हम ये देखते हैं ये H2O अलग से प्रेजेंट रहता है, ये H2O जो है ये अलग से प्रेजेंट रहता है, ये वाला पार्ट। जैसे कि आपको एक और एग्जांपल देते हैं हम, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है, क्या आपको याद है कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक बात हमको अब बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है, तो ध्यान लगा करके देखेंगे। यहां पर 10H2O इस सोडियम कार्बोनेट के साथ है और 5H2O इस कॉपर सल्फेट के साथ है। जब कभी जल जो है इस प्रकार से, जल का अणु हमें इस प्रकार से दिखता है, जल का अणु हमें इस प्रकार से दिखता है किसी लवण के साथ, किसी सॉल्ट के साथ, तो हम इसे एक नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं क्रिस्टलन का जल। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्रिस्टलन का जल। तो आज हम जब जिस पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। आपके पास छोटा सा इस टाइम, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। सो क्रिस्टलन का जल हम आज पढ़ने वाले हैं। क्रिस्टलन का जल क्या होता है एंड इसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलिन। चलिए सो डिस्कस करते हैं क्या मतलब है क्रिस्टलन का जल का और यहां पर हम क्रिस्टलन के जल को क्यों पढ़ रहे हैं। वास्तव में हमारे पास कुछ सॉल्ट्स हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे, इनका जो इनके जो रासायनिक सूत्र है इसके साथ हम H2O को भी लिखते हैं, इसके साथ हम H2O को भी लिखते हैं। यहां पर जो ये H2O है इसको हम कहते हैं जल के क्रिस्टल्स, जल के क्रिस्टल। तो इनमें जल उपस्थित होता है पर क्रिस्टल रूप में जल उपस्थित होता है। किस रूप में होता है, क्रिस्टल रूप में। इसके कारण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसके कारण जो ये क्रिस्टल्स हैं उनको रंग भी मिलता है, उनको रंग भी मिलता है। जैसे कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं उनका रंग नीला होता है, आयरन सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका रंग हरा होता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल हैं उनका रंग व्हाइट होता है। समझ रहे हो। सो कहने का मतलब ये है, ये क्रिस्टलन का जल एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक सब्सटेंस को, एक लवण को देकर जाता है। सो क्रिस्टलन का जल आप क्या समझे,
क्रिस्टलन के जल में लिखेंगे कि क्रिस्टलन का जल क्या होता है, इसको मेरे साथ लिखेंगे सभी बच्चे। चलिए लिखिए, क्रिस्टलन के जल में लिखेंगे आप लवण यानी कि सॉल्ट के, लवण यानी कि सॉल्ट के एक सूत्र इकाई में, सूत्र इकाई मतलब फॉर्मूला यूनिट में, लवण में हम जो है बात करते हैं फॉर्मूला यूनिट की, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो लवण के एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या, देखो ये निश्चित रहने वाला है, निश्चित अणुओं की संख्या, अगर आधा जल का अणु है, आधा जल का अणु रहेगा उसमें तो उतना ही रहना है उसने, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। तो जल के निश्चित अणुओं की संख्या को, जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्रिस्टलन का जल कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन। अब बात समझ में आ रही होगी आपको कि अगर हम ये ले रहे हैं कॉपर सल्फेट को, सो कॉपर सल्फेट के जो एक सूत्र इकाई है उसमें जल के निश्चित अणुओं की संख्या 5 है, तो हम लिखते हैं 5H2O। तो ये 5H2O है, ये कहलाएगा हमारा क्रिस्टलन का जल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन। उदाहरण के तौर पर आप लिख भी सकते हैं यहां पर समझने के लिए, उदाहरण कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में 5 क्रिस्टलन के क्रिस्टलन जल के अणु, जल के अणु उपस्थित होते हैं। ऐसे ही अगर हम लिखें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के क्रिस्टल में 10 क्रिस्टलन जल के अणु उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्रिस्टलन का जल। अब नेक्स्ट एक प्रैक्टिकल करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्रिस्टलन के जल को और ज्यादा सीखने और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, सो हम एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं अभी, और ये प्रैक्टिकल आपको समझना भी है, सीखना भी है, ठीक है। चलिए, ये हमने एक परख नली ली है, टेस्ट ट्यूब, ठीक है, टेस्ट ट्यूब जो है नीचे से भी कुछ इसी आकार की होती है। सो टेस्ट ट्यूब में हम, परख नली में हम क्या लेने वाले हैं, परख नली में हम लेने जा रहे हैं अभी, परख नली में हम लेंगे कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल। तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, मैंने बताया था आपको, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ब्लू कलर के होते हैं। तो ये हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डाल दिए हैं, ऐसा ब्लू नहीं होता है, वो दूसरा ब्लू, दूसरे रंग का ब्लू होता है, बट समझने के लिए ये ध्यान दीजिए कि हमने एक परख नली में ये कुछ क्रिस्टल्स किसके डाले हैं, कॉपर सल्फेट के डाले हैं, दिख रहा है आपको, थोड़ा साइज इसका बड़ा करते हैं। चलिए देखिए, तो ये क्या है हमारे पास, ये एक शुष्क परख नली है, शुष्क परख नली मीन्स
सूखी परख न ली, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो हमने एक शुष्क परख नली में, एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स डाले हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके बाद इसको हमने गर्म किया। इसके बाद हमने इसको क्या करा, नीचे से एक बर्नर लगा करके इसको गर्म करना प्रारंभ किया। तो ये नीचे क्या लगा है, ये नीचे लगा है बर्नर, और बर्नर से हम इसको गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर जो आपको अरेंजमेंट दिख रहा है, ये एक्चुअल में ऐसा ना हो करके थोड़ा आपको परख नली को टेढ़ा पकड़ना होता है। मतलब अगर मैं ऐसे बताऊं, ये बर्नर है आपके पास, ये अगर ये बर्नर है तो परख नली आप ऐसे पकड़ेंगे, परख नली आप इस प्रकार से पकड़ेंगे। ठीक है, यहां पर मैं आपको फिगर के तौर पर दिखाने के लिए सीधी दिखा रखी है परख नली, बट ध्यान रहे कि परख नली को ऐसे टेढ़े में पकड़ना है। और पकड़ना किसकी मदद से है, पकड़ना है एक प्लास आता है, एक हम लोग वो बोलते हैं, एक जिसको हम, इसका नाम होता है, जैसे आपके घर में प्लास होता है ना, इसको हम बोलते हैं चिमटा। इसको हम क्या बोलते हैं, एक चिमटा होता है, इस चिमटे के थ्रू आपको पकड़ना है। समझ में आ गया? सो इस चीज का ध्यान रखें कि परख नली ऐसी सीधी नहीं खड़ी रखनी है बर्नर के ऊपर, तिरछी खड़ी रखनी है। ठीक है, उसके पीछे रीजन ये है कि आपको जब ये एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं लेबोरेटरी, तो लेबोरेटरी प्रयोगशाला जो आपकी लेबोरेटरी होती है, केमिकल लेबोरेटरी, उस वहां पर एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपको जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो दिशा निर्देश होते हैं, उनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए और उनको पूरी तरीके से ओबे करना चाहिए, उनका पूरा पालन करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। समझ में आई बात? तो अगर बोला जा रहा है कि आपको ऐसे पकड़ना है परख नली को, तो आपको ऐसे ही पकड़ना है। अगर चिमटे से पकड़ना है तो चिमटे से ही पकड़ना है। ठीक है, इसके पीछे रीजन मैं आपको समझा देता हूं। रीजन ये है कि अगर हम ऐसे पकड़ेंगे परख नली को, तो यहां से जो वाटर वेपर आएगी वो सीधे आपके मुंह की तरफ आएगी, और आप उसको अपनी सांस के साथ इनहेल भी कर सकते हो। ठीक है, और यहां से जो वाटर वेपर जाएगी वो ऐसे जाएगी आगे की तरफ, जबकि आपका मुंह यहां पर होगा। तो ये कंडीशन तो है थोड़ा ज्यादा सेफ है। इन केस कई बार ऐसा होता है प्रयोगशाला में कि टेस्ट ट्यूब में से कोई पदार्थ जिसको हम गर्म कर रहे हैं वो एकदम से बाहर गिर जाता है, या फिर उसका जो धुआं है वो एकदम से बाहर निकल जाता है। सो वो हमारी बॉडी में एंटर ना कर सके, उससे हमको कोई हानि ना हो सके, इसलिए हम परख नली को इस डायरेक्शन में होल्ड करते हैं। आई है समझ में बात? ठीक है, तो ये साइड में जो सिंबल है ये भी मैं बना के रख रहा हूं, और समझाने के लिए इधर आते हैं वापस। फिर से बता दे रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया है, हमने एक शुष्क परख नली यानी कि एक ड्राई टेस्ट ट्यूब, इसको परख नली ना कह के अगर हम पथन नली कहें तो ये ज्यादा सही होगा, क्योंकि इसमें हमको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को गर्म करना है, हीट करना है। ठीक है, सो बर्नर हमने लगा रखा है नीचे, बर्नर को एक बार रिकंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग। ये बर्नर है। सो जब ऐसा किया जाता है, जब ये काम किया जाता है, तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि ये जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स है ना,
ये जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं ये सफेद हो जाते हैं। ये कैसे हो जाते हैं? सफेद हो जाते हैं। मतलब कि इनका रंग चला जाता है। और इसके बाद हम क्या देखते हैं कि परख नली दीवार पर जो है पानी की बूंदें हमको दिखाई देती है। परख नली की दीवार पर हमको क्या दिखाई देती है? जल की बूंदें दिखाई देती है। ये बात सबके समझ में आ गई है? हमने दो चीजें ऑब्जर्व करी। क्या चीजें ऑब्जर्व करी? जब इसे गर्म किया गया कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को, तो उनका रंग चले गया और परख नली की दीवार पर हमको जल की बूंदें देखने को मिली। ये एक्सपेरिमेंट से हमको क्या समझ में आता है? इस एक्सपेरिमेंट से हमको क्या समझ में आता है? इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह समझ में आता है कि जब किसी ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे लवण को हम गर्म करते हैं जिसमें कि क्रिस्टलन का जल उपस्थित होता है, क्रिस्टलन का जल मौजूद होता है, तो गर्म करने के पश्चात उसमें से क्रिस्टलन के जल के जो अणु हैं वो वाष्पीकृत हो जाते हैं और परख नली की दीवारों पर हमको दिखाई देते हैं। ठीक है? जबकि जबकि इस श्वेत रंग का जो लवण है, यदि इसमें वापस फिर से यहां से जल मिलाया जाए तो इसका नीला रंग वापस आ जाता है, इसका नीला रंग वापस आ जाता है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं उनका नीला रंग सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उसमें क्रिस्टलन का जल है। जब क्रिस्टलन जल के अणु वाष्पीकृत हो जाते हैं, जब वो इवेपोरेट हो जाते हैं, तो कलर चला जाता है, नीला रंग सफेद हो जाता है। और जब जल डाला जाता है वापस से तो नीला रंग वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि क्रिस्टलन के जल के अणु वापस आ जाते हैं। तो ये चीज हमने यहां पर देखने को मिली कि क्रिस्टलन के जल के अणुओं के कारण जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें रंग की मौजूदगी होती है। इस बात को हम लिख सकते हैं एक पॉइंट की फॉर्म में। चलिए लिखिए, एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं हम, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करके इसे लिखें। शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल, शुष्क दिखने वाले मतलब दिखने में हमको कैसे दिखते हैं क्रिस्टल? ड्राई दिखते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या होता है? क्रिस्टलन के जल का अणु होता है। शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। जब क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यह जल हट जाता है एवं लवण का रंग श्वेत हो जाता है। ठीक है? जब क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यह जल हट जाता है एवं लवण का रंग श्वेत हो जाता है। और इसमें हमने एक इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी बताइए? यदि यदि लवण को यानी सॉल्ट को पुनः जल से भिगोते हैं
पिक्सल का नीला रंग वापस आ जाता है। तो क्रिस्टल का नीला रंग वापस आ जाता है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, तो चलिए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम ऐसे अणुओं के, ऐसे लवणों के जिनमें कि क्रिस्टलिन का जल मौजूद होता है। एक तो मैंने आपको बताया कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, तो इसका नाम क्या है, ये कॉपर सल्फेट है। इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग होता है नीला। अगर हम बने आयरन सल्फेट की, तो आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इसका रंग कैसा होता है, हरा, ग्रीन कलर। ठीक है, अगर हम बात करें सोडियम कार्बोनेट, धोने का सोडा, डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका कलर कैसा होता है, श्वेत क्रिस्टल, व्हाइट क्रिस्टल्स हमको इसके दिखते हैं। देखो श्वेत रंग अलग हो गया और श्वेत क्रिस्टल्स अलग हो गए। और अगर बात करें कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O डाइहाइड्रेट, ठीक है, सो इसे हम कहते हैं जिप्सम। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पदार्थ है जो कि आपके घर जब कंस्ट्रक्ट होते हैं, है ना, जब आपके घरों का निर्माण होता है तो वहां पर सीमेंट लगता है ना, तो वहां पर इसका यूज होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें कहां पर यूज होता है, ये सीमेंट का संघटक है। ठीक है, सो ये हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, ऐसे लवण हैं जिनमें कि क्रिस्टलन का जल उपस्थित होता है। इसके अलावा जिप्सम से हम लोग क्या कर सकते हैं, जिप्सम से हम लोग बना सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा क्रिस्टलन का जल उपस्थित होता है, आधा क्रिस्टलन का जल उपस्थित होता है। उसके लिए हमको बस 373 केल्विन पर जिप्सम को गर्म करना होता है। इसका नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी आपने सुना होगा, घर की जो छतें हैं उनको डेकोरेट करने में, खिलौने बनाने में, है ना, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में डॉक्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग करता है, जो प्लास्टर लगता है ना, तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये व्हाइट कलर का एक चूर्ण होता है, इसका जो नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यहां लिख देता हूं साइड पर। ठीक है, दिस इज पीओपी का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, आधा जल है ना, तो हेमी बोलते हैं उसके लिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सो नोट दिस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड प्लीज रिवाइज दिस एट होम। जिप्सम का यूज सीमेंट बनाने में किया जाता है, पोर्टलैंड सीमेंट में। ठीक है, और इसमें क्रिस्टलन के जल के दो अणु होते हैं, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से ही बनाया जाता है। बस जिप्सम को हमको गर्म करना होता है, हीट देनी होती है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर 373 केल्विन, 373 केल्विन पर ये अपने क्रिस्टलन जल के अणु, कुछ अणु त्याग करके आधा क्रिस्टलन जल का अणु अपने पास रखता है और पीओपी का निर्माण करता है। पीओपी जो कि एक सफेद चूर्ण होता है, इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, इसके काफी सारे यूज हैं, इसको दिमाग में रखेंगे, इसके काफी सारे यूज हैं, घर की छतों को डेकोरेट करने में, नंबर टू खिलौने बनाने में, और नंबर थ्री डॉक्टर जो है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में जो प्लास्टर करता है वो भी पीओपी ही होता है।
सो आई होप जो बातें आपको बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने आज की क्लास में कुछ नया जरूर सीखा होगा। उम्मीद ये भी करता हूँ घर से आप इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। जो भी डाउट्स आपके होते हैं प्लीज़ हम तक पहुँचाइए, आपके डाउट रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।